नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हमारे साथ हैं। आज सत्याग्रह किया गया है राहुल गांधी के सजा को लेकर के, और आगे किस तरीके से कार्यक्रम रहेंगे, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग भी हुई हैं उनसे जानेंगे सर। इंडियन नेशनल लोकदल, बीजेपी और दूसरी तरफ पार्टी जेजेपी, हर पार्टी से आए हैं, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और वहाँ के पदाधिकारी, हर पार्टी से वरिष्ठ साथी आए हैं। इससे साफ संकेत है कि लोग मन बना चुके हैं कि ऑल्टरनेटिव कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, राहुल गांधी को लेकर के आपने समर्थन में सत्याग्रह जगह जगह किया है, किस तरीके से इसको देखते हैं और इस फैसले? उसके दो पहलू हैं, जहाँ तक कानूनी पहलू है, देखो उस फैसले से हम सहमत नहीं हैं क्योंकि मैं भी वकील हूँ, तो उसकी कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी, अपील में जाएंगे और हमारे को पूरा इसमें रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसमें बहुत सारे लेकुना है। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, यह कार्यक्रम था सत्याग्रह का, प्रजातंत्र में जो हमारा संविधान है और जनतंत्र में प्रतिशोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये साफ जाहिर है, हिंदुस्तान के लोग ये पसंद नहीं करते हैं किसकी आवाज़ दबाई जाए, तो चाहे वो राहुल गांधी है चाहे कांग्रेस पार्टी है, उसकी कोई आवाज़ दबा नहीं सकता। सर, आप विधानसभा के अंदर दो दिन आप नहीं थे, सीएम साहब ने कर्ज के आंकड़े एक बार फिर रखे और ये कहा कि आपने अलग अलग तारीखों पे आंकड़े रखे थे और अलग अलग आंकड़े आपकी तरफ से ही रखे गए, तो कई तारीखें 5 तारीख के करीब उन्होंने बताई। नहीं, मैंने तो उनको वो भी दिया था, CAG की रिपोर्ट भी दी थी, जो मैंने कहा वो ठीक है। मैंने कहा था कि ये जो है आने वाले समय में कर्जा 4 लाख करोड़ के करीब हो जाएगा। अगले दिन डॉक्टर कादयान को मैंने दिए थे, उन्होंने कहा तो जवाब दें मुख्यमंत्री समेत, वाइट पेपर क्यों नहीं जारी करते है सरकार, वाइट पेपर जारी करे हैं, जो जिस प्रकार से आज कई स्टेटों में भी आया है कि जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाते हैं, कई इस किस्म के वो हैं। अब जैसे पावर का है, 1000 करोड़ जो है सरकारी बिल्डिंग में बिजली बिल देने हैं, वो नहीं दिए कौन देगा फिर। इस प्रकार पर वो बोले 50,000 नौकरी करीब करीब हम इस साल ही दे देंगे। MSME जो MSME में ही मेरे पास रिकॉर्ड है सरकारी, 1 लाख नौकरियां जा चुकी हैं एक साल में। सर, गोल्ड मेडल भी मिला है हमारे खिलाड़ियों को अभी जिस तरीके से खेलों में, उस पर क्या? बहुत बहुत उनको हार्दिक बधाई, बड़ा गर्व है हमारे को हमारे खिलाड़ियों में, उनकी मेहनत का ये नतीजा है। शुक्रिया बात करने के लिए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हमारे साथ, और तमाम जो सवाल है और दूसरी तरफ जो ज्वाइनिंग है उसको लेकर के काफ़ी उत्साहित कांग्रेस नज़र आ रही है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले साल 2024 में कांग्रेस का माहौल इस तरीके की ज्वाइनिंग के बाद बनता हुआ नज़र आ रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन शरद के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।